हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज। जो आपको पता होगा, दिसंबर में जो आंदोलन चल रहा था किसानों के लेके, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे कोषाध्यक्ष जी ने, किसान कोषाध्यक्ष जी ने निभाई थी और पूरे पंडाल में बैठे थे और पंडाल के साथ पूरी तरह से बजाज के लोगों को और यहाँ तक अपने समर्थन के साथ बैठ के एक बड़ा धरना किया था और धरना असर भी किया था। उसके बाद सारे अधिकारी आला अधिकारी आके उस शर्तों को मानेंगे और 13 दिसंबर को धरना खत्म हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा है कि अब धरना फिर से चालू किया है अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी ने, और मैं इनसे ही कोषाध्यक्ष जी से जानना चाहता हूँ कि धरना किस बात पर हो रहा, क्या पेमेंट हुआ या नहीं। क्यों सर, जो आप दिसंबर में धरना किया था जी बजाज को लेके पेमेंट मिलने के, लेकिन पेमेंट तो आपके लिए तो पूरा करने का वादा किया था, वो 31 दिसंबर तक था, उन्होंने समय लिया था जी। तो तब तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए क्योंकि टाइमली जो उन्होंने वादे किए थे उस हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं जी। तो उसके पहले हमको धरना करना या फैक्ट्री बंद करना मेरा ख्याल है इसमें उचित नहीं है। लेकिन जो अभी जो किसान जो अध्यक्ष जो हैं कृष्ण कुमार जी वर्मा जी जो अभी धरना कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य वो खुद ही बता सकते हैं भाई, जब तक हमें फैक्ट्री ने टाइम दिया, हमारे उचित अधिकारियों ने बैठ के उसमें मध्यस्थता की है और उस टाइम को ये कहा गया है कि तब तक हम पूरी पेमेंट दे देंगे, तो समय का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। अगर नहीं देते तो फिर हम उनकी चीनी भी रोकेंगे। किसानों को पेमेंट दिलाने का डिकैत साहब जी ने कहा है, पूरा प्रयास होगा, यहाँ से लेके नखलऊ तक प्रयास किया। यहाँ पे कोषाध्यक्ष ने घोषित कर दिया है अगर बाजार ने 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं करती है, जनवरी 31 जनवरी को, तो स्वयं जैसे आपने दिसंबर में देखा था कि पूरा कैंप लगा था, किसान सरदार भाई लोग और यहाँ तक सारे लोग ग्रुप के जुड़ गए थे, लेकिन उनके वादा अनुसार कोषाध्यक्ष जी का कहना है कि मैं नहीं आऊँगा जब तक उनका वादा जो 31 जनवरी तक है वो पूरा होगा, इसी के बाद अगर नहीं करते हैं तो वो स्वयं फिर पुनः आप बैठेंगे वहाँ पे। हम भी बैठेंगे और हमारा राष्ट्रीय नेता डिकैत साहब जी भी आएंगे, यहाँ से लेकर नखलऊ तक स्ट्राइक की जाएगी, एक एक पैसा किसानों को दिलाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ा आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा जी, राष्ट्रीय पूरे प्रदेश लेवल का, ये पूरे प्रदेश की परिस्थिति है, पूरे प्रदेश को दिक्कत है जी जी। चीनी कोई गोला मिल ही नहीं है, 14 चीनी मिले हैं, 14 पे ही बकाया है जी जी। और जो हमारे नेताजी कहेंगे जी जी। हम लोग उसको बैठ के नखलऊ तक जी जी। बिल्कुल एक एक पैसा दिलाएंगे, ये खून पसीने की कमाई है, किसानों को समय से मिलना चाहिए, हम इस बात के हितैषी हैं, किसान मजदूर का हित नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि आए दिन एक चीज का मुद्दा भी नहीं होना चाहिए, कि वो भी गलत है कि एक ही मुद्दे को लेके हम किसी को गुमराह करें। पहले भी गेहूं लेट हो गया, अगर ऐसा हो गया उद्योग बंद हो गया तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन हमारा पैसा भी जरूरी है, लेकिन उद्योग चलना भी जरूरी है। डीके साहब जी ने कहा एक एक रुपया दिलाया जाएगा, किसी किसान का ये हराम की कमाई नहीं है कि ना मिले, ना वाला तो सवाल ही गलत है, पैसा मिलेगा और मिलके रहेगा और ये बहुत जरूरी है। लेकिन आए दिन एक ही मुद्दे को लेके बैठ रहना तो गलत बात है ना, थोड़ा जनता से विचार करना चाहिए। कई लोग अभी भी डरे हुए हैं कि 5 को फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने विषय पे नहीं चलना चाहिए, जनता की आवाज़ के हिसाब से चलना चाहिए। पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा गन्ना भी निकलना बहुत ज़रूरी है, दोनों का तालमेल रखना पड़ेगा। डिकैत साहब जी ने कहा है कि एक एक रुपया दिलाने का काम करेंगे, नखीनपुर में भी धरना लगेगा और फिर ज़रूरत पड़ी तो नखलऊ में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने बहुत बड़ा स्ट्राइक होगा, एक एक रुपया दिलाया जाएगा। यहाँ कोषाध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अगर 31 जनवरी के अंदर पेमेंट नहीं होता था, स्वयं डकैत जी ने ऐलान कर दिया कि जिले स्तर से जो धरना होगा, जिले स्तर से होगा, जिले स्तर से फिर नखलऊ राजधानी तक जाएगा, एक एक पैसा दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने तो उसी दिन ही कह दिया था कि ये जो फैक्ट्रियाँ बंद ना किए जाए, क्यों कि फैक्ट्री से हमारे इंसान छोलने वाले भाई, फैक्ट्री चलाने वाले भाई सारे तो किसानों के बेटे हैं, कोई विदेशी तो है नहीं। लेकिन सर अभी जो पेमेंट आया है, जो दिसंबर में जो बात हुई थी 13 तारीख को जो आपका धरना हुआ, उसके बाद कितना पेमेंट अभी बजाज ने किया है? मेरा ख्याल 50 के लगभग कर दिया, 50 करोड़ के लगभग, अगर कुछ कम होगा, बिल्कुल एक्यूरेट पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि 50 के लगभग कर दिया। और उन्होंने इस महीने की 5 तारीख तक, अगले की 5 तक 100 करोड़ का वादा किया है। तो पेमेंट वो टाइमली देंगे नहीं देंगे तो हम लोग सब भाई मिलके राष्ट्रीय नेताजी जो कहेंगे उसका पालन करेंगे, लेकिन उस समय का इंतजार करना पड़ेगा कि अड़ियल रुख से कोई काम चलने वाला नहीं,
थोड़ा बहुत समय का इंतजार करना चाहिए। और जब मीडिया वाले भाई पल पल की जानकारी दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, बेचारे रात दिन साथ रहते हैं, तो हम लोगों को सबकी राय लेनी पड़ेगी, सबका सहयोग लेना पड़ेगा। अभी तक आपका कहना है कि 50 करोड़ का पेमेंट जो है जी जी बजाज ने कर दिया है जी, और 31 जनवरी को पूरा पेमेंट होगा। हाँ जी, तो हम राम कुमार वर्मा जी से भी कहना चाहते हैं कि जो भी काम किया जाए सब लोगों की तालमेल कमेटी के बैठ के पहले आपस में सलाह किया जाए, कोई भी एक संगठन को या ऐसा ना किया जाए, सारे अपने भाई हैं मिलके सब लोगों की सलाह लिया जाए। फैक्ट्री बंद करने से पेमेंट तो नहीं हो पाएगी, पेमेंट तो लेने से होगी, इसके चीनी रोकी जाए, चीनी पे ध्यान दिया जाए, कोई अच्छा कार्य करके इसको जैसा राष्ट्रीय नेताजी कहे वैसा करना चाहिए। अगर हम लोग अपने स्तर से कहें करते रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, इसमें सभी का संयोग है। अभी बात हो रही थी कोषाध्यक्ष किसान जी, उन्होंने बहुत बारीक से बताई, उन्होंने कहा जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं वो इस हिसाब से बैठे, उन्होंने अभी पूरी बात उन्होंने हमें जानकारी मिली कि इनका कहना है 31 जनवरी तक सारा पेमेंट होगा, और इन्होंने बताया 50 करोड़ पेमेंट हो चुका है अभी तक। मैं नरेंद्र कुमार होती कैमरामैन सोनम मिश्रा के साथ, जय हिंद।